हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। आप एडसेंस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्लॉग में इंटर होना पड़ेगा। आप जैसे ही अपने ब्लॉग में लॉग इन हो जाएंगे, आपको सिंपली अर्निंग पे जाना है। अभी मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा, वैसे आपके पास जैसे आप एबल हो जाएंगे 6 मंथ्स या 4 मंथ्स लगते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, एशिया एशिया के ममालिक में तकरीबन 4 महीने लगते हैं एडसेंस को अप्लाई होने में। उससे पहले बहुत कम लोगों का ही हो पाता है, जिनका हो जाता है वो लकी होते हैं। आपको जैसे ही आपका एबल हो जाएगा, आप अच्छे खासी पोस्ट डाल लेंगे, 50 पोस्ट वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जैसे ही वो डाल देंगे तो आपके पास इधर एक ऑरेंज कलर का इस कलर का बॉक्स आएगा जिसमें एडसेंस साइन अप एडसेंस पे लिखा हुआ होगा। तो उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ अपने में, क्योंकि मेरा एसोसिएट हुआ हुआ है इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा। वैसे आपके पास इसी तरीके से एक ऑप्शंस आ रहेंगे, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो वो आपसे पूछेगा आपको किस ईमेल पे एडसेंस अप्लाई करना है। आप अपनी ईमेल चूज़ कर लेंगे जिससे आप लॉग इन हुए हैं उसी पे अप्लाई करना है, या किसी और पे, तो आप अगर किसी और पे करना चाहें या क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप यस कर देंगे। सिंपली जैसे ही फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप पे ही आपको खुद ले जाएगा और माय वेबसाइट पे आपका यूआरएल खुद ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर न्यू होगा तो आप डिटेक्ट कर दें, वरना तो ज़्यादातर तो वो खुद ही कर लेता है। फिर इधर आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, आप कौन सी लैंग्वेज में अपना एडसेंस यूज़ करना चाहते हैं, कंटेंट किस लैंग्वेज में हो आपका। हमने इंग्लिश चूज़ कर लिया। आप इधर एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट एसोसिएशन या डिक्लाइन, हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे ले जाएगा थर्ड स्टेप पे। जैसे ही थर्ड स्टेप पे लेके जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन डायरेक्शन वीडियो हैज़ बीन एडेड टू योर ब्लॉग टेम्पलेट, प्रेस कंटिन्यू टू कस्टमाइज योर एडसेंस। सिंपली आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन पे जाके आप एडसेंस का यूआरएल, एडसेंस अपना जो कोड देता है, आप वो अपने कस्टमाइज में जाके, लेआउट में जाके आप अप्लाई कर दें। उस वक्त तो आप को ऐड शो नहीं होगा, तकरीबन वो टाइम लेता है। मेरे पास अभी देखें लगा हुआ है, मैंने अप्लाई पहले से कर दिए हैं मगर अभी कोई शो नहीं कर रहा, तो ये टाइम लेता है अच्छा खासा, एक एक 2 महीने लेता है तब जाके ये कोई भी ऐड दिखाता है, क्योंकि गूगल वाले थोड़ा टाइम लेते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे और ये बिल्कुल सही तरीका है, कोई आपको मसला नहीं होगा, मगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये जैसे ही आप अप्लाई करें तो एड्स कभी भी शो नहीं होंगे, आपको तकरीबन 1 महीने या 2 महीने लगेंगे। आपको ईमेल भेजेगा गूगल वाला, एडसेंस वाले, वो फिर आपको बताएंगे कि आपके एड्स शो हो रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं, लाइव आ गए हैं आपके एड्स।